मेरे प्यारे बच्चों, प्रवेश सर का नमस्कार। एग्री अकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स ईयर का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ। सबके मन में एक ही क्वेश्चन था कि कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की क्या रहेगी, बीसीए की क्या रहेगी, बीसीबी, डिप्राइड एससी, एससी, ईडब्ल्यूएस। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है 10 या 15 सेकंड के बाद, लेकिन आप वीडियो को जुड़े रहें। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी उसके मार्क्स बने हैं अपने आंसर की के अकॉर्डिंग, कमेंट करें, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, शेयर करो, जितने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्यारे बच्चों, हमने बिल्कुल एनालिसिस से कट ऑफ बनाई है, लेकिन एक विशेष ध्यान, ये कट ऑफ विदाउट ऑब्जेक्शन है, विद ऑब्जेक्शन चेंज होएगी। इस कट ऑफ में जैसे मान लो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने 5 ऑब्जेक्शन मान लिए, तो 5 नंबर सभी के प्लस हो गए, किसी के 4 प्लस हो जाएंगे, किसी के 3, तो कट ऑफ में भी प्लस होएंगे। ये कट ऑफ विदाउट ऑब्जेक्शन लाया हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें इस वीडियो को, करते हैं स्टार्ट। CCSHU BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर कट ऑफ 2023। तो जनरल, सबसे पहले जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, 84 से 85। ये 84 से 85 क्यों, क्योंकि 87 पे बहुत सारे बच्चे हैं, 10 से 15 बच्चे तो एग्री एकेडमी के हैं, तो 87 पे तो बहुत सारे बच्चे हैं। टॉपर की तो बात ही अलग है, टॉपर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम बात करते हैं अब जनरल की कट ऑफ जाएगी 84 से 85, ईडब्ल्यूएस की 82 से 84। ये विदाउट ऑब्जेक्शन कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। बीसीए की कट ऑफ क्या जाने वाली है, 81 से 82। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, बीसीबी, बीसीबी की कट ऑफ जाएगी 80 से 81। डिप्राइड एससी 75 से 78 और एससी की 78 से 80। लेकिन एक बात, जो एलडीवी बच्चे हैं, जैसे लैंड डोनेटेड विलेज हैं, जैसे कोल कैथल में कोल हो गया, अपने हिसार में सदलपुर है, बड़समंद है, मतलब हर गांव का जो टॉपर है उसी का एडमिशन होएगा एलडीवी की सीट पे। ये हम बता भी नहीं सकते कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन इन कैटेगरियों की कट ऑफ बता सकते हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद फिर मैं एक बार दोबारा आऊँगा आपके मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगी प्रॉपर, वो होगी विद ऑब्जेक्शन। ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में उसी बच्चों का होता है एडमिशन जो एक बेटी है या दो बेटियां, किसी का भाई नहीं है, तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आएगा। स्पोर्ट्स कोटा है, ये अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग सीट हैं, वो एक एक दो दो सीट उनके हिसाब से भरी जाएगी, उनका जो टॉपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्यारे बच्चों एग्री अकेडमी हिसार। एग्री अकेडमी हिसार लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। कैसे रच रही है हरियाणा में इतिहास, 10th बेस एग्रीकल्चर में मेन दो ही सब्जेक्ट आते हैं, साइंस और एग्रीकल्चर, वो हम दिन रात बच्चों की तैयारी करवाते हैं। अब ड्रॉपर बैच शुरू हो रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हो जाए दा बेस्ट है, ना हो तो प्यारे बच्चों आपके लिए एग्री अकेडमी तत्पर है। एग्री अकेडमी में पहुंचे अपने जो अपना एडमिशन लें यहाँ पर, और इसमें बेनिफिट क्या है, आपको क्या बेनिफिट होएगा, देखो नॉन मेडिकल और मेडिकल तो मिलेगी, लेकिन साथ में एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप पूरा 1 ईयर पढ़ेंगे, ओनली ऑन पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसी अकेडमी है जो एग्रीकल्चर भी पढ़ा रही है, प्लस वन में भी, प्लस टू में भी, एज ए सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर का बेनिफिट क्या है, जितना हमने एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपके मार्क्स आएंगे 97, 98, 99 या 100। ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक पेपर मिस कर गए, हम देने ही नहीं गए, लेकिन एग्रीकल्चर में पास है तो प्यारे बच्चों पास माने जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, यदि आप इसकी कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो, कंप्लीट अवेयर होना चाहते हो, तो एग्री अकेडमी हिसार के प्रांगण में एक बार जरूर पहुंचे, मिले ऑफिस में।
नेक्स्ट बात आ गई, प्यारे बच्चों एग्री एकेडमी ने फिर से रचा हरियाणा में इतिहास। हमने अपने बच्चों की सारे बच्चों की रिपोर्ट ले ली है, हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। इस बार तो एससी कैटेगरी का भी बड़ा फर्स्ट रैंक देने वाली है एग्री एकेडमी, क्योंकि हमने एससी कैटेगरी पे भी खूब मेहनत की है। तो प्यारे बच्चों हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आएगा एग्री एकेडमी हिसार का। पिछली बार 45 प्लस एडमिशन थे, इस बार 50 प्लस एडमिशन का दावा करती है एग्री एकेडमी हिसार। देखा जाएगा जो होगा, लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं 50 प्लस सिलेक्शन होंगे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।